सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और आज मैं आपको एक स्वीट डिश की रेसिपी बताने जा रही हूं जो कि है मूंग दाल के रसगुल्ले, जिसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये 250 ग्राम मूंग दाल, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था और उसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी डालकर पीस लिया है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे आप, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से रसगुल्ले का शेप नहीं बन पाएगा और ये गीला हो जाएगा। और मैंने जितना 250 ग्राम मूंग दाल लिया था उतना ही मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, यहाँ पे 1 चम्मच खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, और ये 4-5 इलायची जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इस मूंग दाल के पेस्ट में ये बेकिंग सोडा डालूंगी और ये बेसन डाल रही हूँ। ये बेसन मैं इसलिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से बन सके, और ये बेकिंग सोडा भी मैंने इसलिए लिया है ताकि रसगुल्ला बिल्कुल स्पंजी बने और फुला फुला बने। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से फेंटूंगी और इन्हें आपको बिल्कुल देखिए इसी शेप में ऐसे ऐसे फेंटना है। ज़्यादा फेंटने से क्या होगा, बिल्कुल टाइट होगा और रसगुल्ला बिल्कुल फुल के आएगा, और इन्हें आपको 5 से 7 मिनट तक फेंटते रहना है इसी तरह से। ये देखिए मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक फेंट लिया है। अब इन्हें हम 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देंगे और तब तक मैं यहाँ पे चीनी का चाशनी तैयार कर लेती हूँ। गैस जला देते हैं यहाँ पे। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया था यानी 250 ग्राम चीनी, तो उसी कप के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे पानी लिया है। अब पानी गर्म होगा, तब तक वेट कर लेते हैं। पानी गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैं ये चीनी डाल देती हूँ और साथ ही ये इलायची भी डाल दिया मैंने, और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये बिल्कुल एक तार ना हो जाए, तब तक इसे पकने दें और फिर बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए चाशनी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है, हम इसे चेक कर लेते हैं और ध्यान से चेक करिए, अभी गर्म है। अभी हमें थोड़ी देर तक और चलाना है, लगभग 2 से 3 मिनट और लगेगा इसमें। ये देखिए हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है, हमें इन्हें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है और ये बिल्कुल एक तार बनके तैयार हो गया है। ज़्यादा गाढ़ा करने से क्या होगा, रसगुल्ले में अच्छी तरह से ये चाशनी नहीं घुस पाएगी। तो अब गैस बंद कर देते हैं। हमने मूंग दाल के पेस्ट को 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखा था। अब इसे हम रसगुल्ले के शेप में गोल गोल बना लेंगे। सबसे पहले अपने हाथ में कोई भी कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से लगा लें ताकि ये चिपके ना और शेप अच्छी तरह से बन पाए। ये देखिए कोई भी शेप आप ले सकते हैं, बड़ा साइज हो या छोटा साइज। ये देखिए मैंने ये साइज लिया है। इन्हें अच्छी तरह से आप ऐसे गोल गोल घुमाएं इस तरह से, और फिर इसे ऐसे रख के ये देखिए इस तरह से आप बिल्कुल गोल ऐसे कर लें, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाएं नहीं इसे। ये देखिए गोल बन गया। इस तरह से आपको बाकी सारे मिक्सचर से जो मैंने पेस्ट बनाया उसे सारे रसगुल्लों का आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने बॉल्स बना के तैयार कर लिया है और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम इन्हें एक एक करके ये सारे बॉल्स इसमें डालेंगे, बहुत ही ध्यान से डालें, और हीट को आपको स्लो से मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि हमें इन्हें अंदर से पकाना है। ये देखिए हो गया। अब इन्हें अच्छी तरह से पूरी तरफ से हमें सिकाना है, इसलिए पलटते रहें इसे, बहुत ही ध्यान से पलटें।
और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए सीख गया है, ये दूसरी तरफ। ये देखिए रसगुल्ले का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इन्हें निकाल के हम बिल्कुल डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। बिल्कुल गरम, जैसे ही गरम रसगुल्ले वैसे आपको डायरेक्ट चाशनी में डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया, और अब इन्हें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर ले चाशनी में, ताकि जो चाशनी है रसगुल्ले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी छान लिया है, और अब मैं इसे चाशनी में डुबो दूंगी, और हम इन्हें अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी चाशनी है ये और रसगुल्ले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और याद रहे फ्रेंड, आपको इन्हें 1 से 2 घंटे के बाद ही सर्व करना है, उससे पहले सर्व ना करें, क्योंकि तब तक जो चाशनी का मिठास है वो रसगुल्ले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स रसगुल्ले बनके तैयार हैं। ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप, जिसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।